वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली ये रिक्वेस्ट जो है ये काफी टाइम से मेरे पास आ रही थी और अभी भी कई सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है एक वीडियो का। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये है होम डेकोर से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है जो बेंगलुरु में है और इसके अलावा भी कई फ्रेंड्स और हैं जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था वीडियो को करने के लिए। और ये काफ़ी टाइम पहले से रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि मैं, वो एक्चुअली न्यूली मैरिड है और वो चाहते हैं, अभी उन्होंने शिफ्ट किया है और उनके घर में उतना सामान नहीं है कि वो अपना घर को अच्छे से अरेंज कर सके या सेटअप कर सके। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं कुछ ऐसा आइडिया दूँ उनको कि वो आराम से, मतलब कम खर्च में ज़्यादा अच्छे से और थोड़ा सा डेकोरेटिव तरीके से वो लोअर जो होता है वो सीटिंग कर सके, क्योंकि अभी उन्होंने सोफा वगैरह कुछ लिया नहीं है। तो आज मैं यही वीडियो उनके लिए लेकर के आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता ही है क्या करना है, उस पर लाइक करना है और शेयर करना है और मेरे चैनल अन्वेशा क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब करना है विद बेल बटन, क्योंकि ये आप लोगों के लिए फ्री है और मेरे लिए इसका बहुत 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 मतलब है। तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें विद बेल बटन, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन और उसके बराबर में जो बेल आती है उसको भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो अभी करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले तो मैं आपके साथ में एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि जो भी सामान मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी से किया और आप इसे आइडिया लेकर के इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट किया है कि मैंने बिछाया है एक मैट्रेस और मैट्रेस के ऊपर मैंने बिछाई है एक सिल्क की, सेमी सिल्क है ये, इसके अंदर कॉटन भी मिक्स है। तो ये मैंने एक बेडशीट बिछाई है, सिंगल बेड की बेडशीट है और इसके बराबर में मैंने रखा है एक फुट मैट की, अगर आप पैर झाड़ना चाहते हैं तो इस फुट मैट से झाड़ सकते हैं। और उसके बराबर में मैंने लगाए हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के कुशंस, क्योंकि कुशंस का इस सीटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के कुशंस लगाने होंगे जिससे कि ये सीटिंग बैठने में बहुत खूबसूरत लगेगी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो कोशिश कीजिएगा, इसकी कोई गिनती नहीं है कि आप 7, 9, 11, 10 इस तरीके से लगा सकते हैं, 5, 7, 9, 11 जो भी आपको, जितने भी कंफर्टेबल हैं आपके लिए। और मैंने यहाँ पर मैट्रेस का यूज़ किया है, अगर आपके पास मैट्रेस नहीं है तो आप रग वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर एक मैट वगैरह जो आती है, मैट के ऊपर शीट वगैरह कोई बिछा करके भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये कंफर्टेबल होना चाहिए बैठने के लिए। तो ये करने के बाद में ये प्लेन वाली वॉल है, इसके ऊपर मैंने एक लैम्प लगाया हुआ है, आप चाहें तो इसके ऊपर लाइटिंग भी लगा सकते हैं। और साइड में मैंने यहाँ पर ये बटरफ्लाइज लगाई हुई हैं और ये मैंने लिविंग एरिया में किया है। तो ये इस रॉड से लगाते हुए, कर्टन रॉड जो होती है उसे लगाते हुए, ये मैंने 2 टी लाइट होल्डर प्लेस किए हैं यहाँ पर और इसमें बैटरी ऑपरेटेड लाइट लगाई है जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है। और यहाँ पर मैंने एक, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो फ्रेम रखा है, आप चाहें तो अपनी फैमिली फ़ोटो वगैरह भी रख सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी और मूड को अपलिफ्ट करने के लिए थोड़े से प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं। मैंने यहाँ पर एक ही प्लांट पॉट रखा है, आप चाहें तो 2 भी या 3 भी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग और अपने स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। और मैंने साथ में उसके अंदर दिखने के लिए थोड़ा सुंदर लगे एक पेंटेड रॉक भी रखा है। और बिना लाइट के कोई भी डेकोरेशन अधूरी होती है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया था। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग लाइट लगाई है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और शाम के टाइम इसका इफेक्ट बहुत ही खूबसूरत आता है। और इसके बराबर में आप देखेंगे मैंने एक छोटी हाइट के स्टूल के ऊपर मैंने एक ट्रे रखी है, ट्रे के अंदर एक टी लाइट होल्डर और रखा है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मनी प्लांट है जो कि मैंने पानी में ग्रो की है और ये DIY किया हुआ प्लांट पॉट है जिसके अंदर मैंने शीशी का है ये, जिसमें मनी प्लांट ग्रो हो रही है। और ये रखी है एक सेंटेड कैंडल जो कि एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बनाती है। और साथ ही मैंने रखा है यहाँ पर मेरा
लेमन सोडा रखा है जो आप यहाँ पर बैठ करके इजीली इंजॉय कर सकते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, आप चाहें तो वॉल के ऊपर भी लाइट्स लगा सकते हैं। मैंने इसको प्लेन रखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक लैंप लगाया हुआ है, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और ये मैंने आपको केवल रेफरेंस के लिए कहा है, थोड़ा सा आइडिया दिया है। आप इसे और भी बेहतर कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज की या डिफरेंट टाइप की पेंटिंग भी रख सकते हैं, थोड़ी बड़ी पेंटिंग भी रख सकते हैं। थोड़ी हाइट्स क्रिएट करने के लिए एक दूसरा स्टूल साइड में रख के, जहाँ पर मैंने फोटो फ्रेम रखा है वहाँ पे स्टूल रख के उसके ऊपर भी प्लांट रख सकते हैं, और वहाँ पर फाउंटेन वगैरह भी लगा सकते हैं, या फिर लैम्प शेड वगैरह भी लगा सकते हैं। लैम्प शेड भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप इनएक्सपेंसिव तरीके से देखेंगे तो ये सीटिंग जो है ये बेस्ट है। इसमें इतना खर्चा भी नहीं आएगा और कंफर्टेबल भी उतनी लगेगी, और साथ ही देखने में सुंदर भी लगेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल बटन। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।